हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। इस फ्रॉक को हम 38 साइज के हिसाब से हमें काट करना है। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस फ्रॉक को काट करने के लिए हमें 2 मीटर फेब्रिक दिया है, तो हम देखिए 2 मीटर फेब्रिक से फ्रॉक कटिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमें फ्रॉक काट करने के लिए फैब्रिक को अच्छे से टू फोल्ड कर लेना है। पहली देखिए, हमें यहाँ से ऊपर के लिए पार्ट करना है, तो हमें देखिए इसको अलग अलग से काट करना है। पहले हम ऊपर का पार्ट काट करना है, उसके बाद हम नीचे का पार्ट को काट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए इसमें टू फोल्ड है, तो हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक ही साथ में निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको और एक फोल्ड करना है, तो टोटल 4 फोल्ड हुआ है। इस फ्रॉक को हम 38 साइज के हिसाब से हमें काट करना है। तो देखिए इसका लंबाई हम 40.5 इंच पर रखेंगे और सिलाई के लिए हमें ऐसा 1 इंच रखना है। तो देखिए हम 15.5 इंच लेना है। उसके बाद देखिए हमें शोल्डर लेना है, आपका शोल्डर जितना इंच है आप इसको हाफ कर लीजिए। तो देखिए इसमें 14 इंच है शोल्डर, तो हम सिलाई के लिए ऐसा हाफ लेना है। तो देखिए 7.5 इंच पर रखना है। उसके बाद देखिए यहां से हमें हाफ इंच डाउन करना है, हाफ इंच, और देखिए यहां से हमें 4 इंच पर नेक रखूंगी। फिर देखिए इसको मिलाना है इस तरीके से, इस तरह से। उसके बाद देखिए आमहुल लेना है, आमहुल हम 6.5 इंच पर रखूंगी, और यहां से भी देखिए 7.5 इंच। उसके बाद देखिए नेक लेना है, नेक हम 4 इंच पर रखूंगी, और देखिए यहां से भी 4 इंच बराबर मिलाना है। फिर इसको हमें देखिए इस तरीके से हमें राउंड नेक में सेट देना है, इस तरह से। इस तरीके से तो देखिए 38 का चद्दर हिस्सा होता है 9.5 इंच, तो हमें ऐसे 9.5 इंच लिया है। और यहां से देखिए हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा मिला है, हम उतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है, क्योंकि इसमें फैब्रिक कम है। अगर फैब्रिक ज्यादा होने से हम ज्यादा भी रख सकती थी। कमर 34 इंच है, 34 का चद्दर हिस्सा होता है 8.5 इंच, और हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए यहां से देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए अभी हम दोनों पार्ट को एक साथ काट कर लेना है। तो उसके बाद देखिए हमें इसमें हल्का सा शेप मिलाना है, तो देखिए ये 1 इंच तक आता है। उसके बाद हमें दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है। तो देखिए ये बैक पार्ट के लिए रख देना है और ये फ्रंट पार्ट के लिए। तो हमें देखिए यहां से हमें 7 इंच पर रखूंगी, फिर इसको हमें इस तरीके से हल्का सा शेप मिलाना है। तो देखिए जैसे कि हाफ इंच का लगभग, तब इसको हम काट कर लेना है। तो देखिए टैक्स कितना इंच तक लगाना है, टैक्स हम 3.5 इंच तक लगाऊं, यहां से हमें 4 इंच तक उठाकर सिलाई करना है। इस तरीके से हमें हाफ इंच का लगभग टैक्स सिलाई करना है।
तो देखिए इसमें और कितना इंच तक बचा है, तो देखिए इसमें 27 इंच तक बचा है, तो हमें फुल करके सिलाई करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम देखिए टोटल 26 इंच पर मिला है। उसके बाद देखिए हमें इसको सेंटर से काट कर लेना है, तो देखिए इसमें हम 2 फोल्ड किया है इस तरीके से, देखिए ये 2 फोल्ड है। तो देखिए इसका कटिंग कंप्लीट हुआ है, अभी हमें इसको सिलाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट सिलाई करना है, तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमें क्या सिलाई करना है, टक्स लगाना है। तो देखिए दोनों पार्ट में हमें टैक्स लगा लिया, 1/2 इंच का टैक्स लगाया है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद हम देखिए नीचे का पार्ट को सिलाई करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ से 1 इंच सिलाई करना है, पहले इस तरह इतना तक सिलाई करना है, 1 इंच तक दोनों साइड से हमें इस तरीके से 1 इंच तक सिलाई लगाना है। तो देखिए 1 इंच का सिलाई लगा लिया, उसके बाद देखिए क्या करना है। तो देखिए ये सेंटर का पॉइंट है, हमें थोड़ा सा काट करके रखा है पहले से, तो देखिए दोनों सेंटर का पॉइंट को हमें बराबर मिलाकर सिलाई करना है। तो देखिए उसके बाद हमें इसमें किस तरह से हमें प्लेट डालना है, प्लेट आपको किस तरह से डालना है, जहाँ से हमें फ्रंट साइड में टैक्स लगाया है वहाँ से हमें प्लेट डालना है, बैक साइड में भी जहाँ से हमें टैक्स लगाया है वहाँ से हमें प्लेट को मिलाकर सिलाई करना है। तो देखिए प्लेट सिलाई कर लिए, तो आप देख सकते हैं देखिए जहाँ से हमें टैक्स सिलाई किया है वहाँ से हमें प्लेट डाला है। फिर देखिए यहाँ से भी हमें जहाँ से टैक्स लगाया है वहाँ से हमें मिलाकर प्लेट डालना है, तो इस तरीके से देखिए मिलाना है इस तरह से। तो अभी हम सिलाई करना है, तो देखिए दोनों साइड से हमें इस तरीके से प्लेट डाला है, तो देखिए यहाँ से भी एक प्लेट डाला है और यहाँ से भी, ठीक दूसरे साइड में भी हमें इस तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ से भी हमें सेंटर का पॉइंट को हमें मिलाकर रखना है, तो इस तरीके से मिलाना है। तो उसके बाद देखिए सिलाई इस तरह से करना है, यहाँ से भी हमें थोड़ा सा सिलाई कर देना है। तो उसके बाद देखिए हमें प्लेट डालना है, प्लेट देखिए कहाँ से डालना है, जहाँ से हमें टैक्स सिलाई किया है वहाँ से हमें मिलाकर प्लेट डालना है। तो देखिए इस तरीके से मिलाया है, तो अभी हम सिलाई करना है।
तो देखिए ये भी सिलाई कर लिया। उसके बाद देखिए हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए दोनों को हमें सीधा साइड की तरफ से मिलाकर रखना है। आमहुल पट्टी सिलाई करना है। और देखिए आमहुल का छोटा छोटा काट लगाना है। तो देखिए आमहुल पट्टी के साइड से हमें एक सिलाई करना है। तो देखिए अभी हम आमहुल पट्टी को इस तरीके से फुल करके सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हमें नेक पट्टी सिलाई करना है। तो देखिए नेक पट्टी भी सिलाई कर लिया। उसके बाद हमें 38 साइज के हिसाब से हमें सिलाई करना है। तो देखिए दोनों साइड से सिलाई करने के बाद हमें नीचे से मुड़कर सिलाई करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें 2 फुल करना है।
तो देखिए फ्रॉक का सिलाई कंप्लीट हुआ है। अगर फ्रेंड मेरे वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ अगला वीडियो में।